सो गाइस कैसे हो आप? देखो मेन बात ये है कि टीवीज़ की वीडियोस में बहुत कम बनाता हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि टीवी ज़्यादा लॉन्च होती नहीं है, होती भी है तो उनको पता नहीं चलता इतनी आसानी से, नॉलेज भी मैक्सिमम लोग देखना पसंद भी नहीं करते होंगे ज़्यादा मुझे लगता है। बट फिर भी कुछ टीवीज़ खास आते लाइक सैमसंग की या फिर वन प्लस की जो आई थी या फिर रियलमी टीवी या फिर एमआई की टीवीज़ जो स्पेशल बजट वैल्यू फॉर मनी चीज़ें लेके आते हैं, ऐसी बहुत कम टीवीज़ आती हैं। बट हाँ कुछ टीवीज़ आती हैं उनके बारे में बात करनी पड़ती है। सो इन्फिनिक्स आप सबने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बता देता हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबने सुना होगा, फिर भी जिसने नहीं सुना उसके लिए बता रहा हूँ। स्पेशली इन्फिनिक्स एक स्मार्टफोन कंपनी है, एक कंपनी है, स्मार्टफोन ही बनाती है, आईओटी प्रोडक्ट्स भी बनाती है और काफ़ी हद तक टीवीज़ भी बनानी शुरू कर दी। इंडिया में हाल ही में उसने टीवी लॉन्च करी, काफ़ी पसंद आई मुझे, मैंने जस्ट अभी उसके स्पेक्स चेक करे, मैं ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर चुका हूँ अभी जो मैं डालने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल, मतलब एक दिन में वीडियो आने वाली है। उसके बावजूद मैंने इसको अभी दोबारा शूट कर रहा हूँ, क्यों, मुझे टीवी बहुत बढ़िया लगी, मुझे पसंद आई टीवी, मतलब 12,000 का प्राइस है उसका टीवी का, बट स्पेक्स बहुत बढ़िया, इन्फिनिक्स X1 काफ़ी अच्छी टीवी लगी, स्मार्ट टीवी है, बड़ी अच्छी टीवी है, दो साइज है, 32-43, ऑब्वियस सी बात है, 32 वाले का 12,000 आई थिंक और 43 वाले का थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये फालतू होगा, वो देख लेंगे, वो बात की बात है। डिस्क्रिप्शन में मैं अच्छी चीज़ें लिख दूंगा जिसको कोई कन्फ्यूजन हो तो। बाकी बात करते हैं इस बारे में, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल, मेरा नाम अजय। तो मैं था इन्फिनिक्स की टीवी पे, तो टीवी बहुत बढ़िया है, नो डाउट सब कुछ बढ़िया टीवी के अंदर, कुछ चीज़ें लाइक सबसे पहली बात तो भाई थोड़ी क्वालिटी का मैं बता सकता हूँ, मेरे पास है नहीं तो क्वालिटी कैसी, बट हाँ 12,000 की टीवी है, ज़्यादा क्वालिटी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अब चाह के भी कितना मर्जी कर लो 12,000 की चीज़ 12,000 की रहने वाली, तो ऐसा मत सोच रहे कुछ ज़्यादा तगड़ा मिल जाएगा, नॉर्मल से मिलेगा पर हाँ ठीक ठाक मिल जाएगा। अब बात करते हैं स्पेक्स की, तो स्पेक्स में एक बार देख लेता हूँ, साथ साथ बताता रहूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, जो टीवी है वो TUV रिनहेल्ड वेरीफाइड है, तो अच्छी बात है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जा रहा है, डिस्प्ले क्वालिटी में खासकर ऐसा कोई खास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जा रहा, तो ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बाकी देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है आपको एंड्रॉयड 9 आउट ऑफ द बॉक्स है, हाँ थोड़ा पुराना हो चुका है, 10 आ चुका है या 11 भी आ चुका है जहाँ तक मुझे याद है, बट स्टिल कोई बात नहीं, कुछ दे रहे हैं आप लोगों को तो ये अच्छी बात है। सो गाइस 12,000 के बजट के हिसाब से आपको इसके अंदर मिल जाता है वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, 2 HDMI के पोर्ट भी हैं, वाईफाई भी है, सारी चीज़ें मिल जाती है जो जो कैजुअल चाहिए, जितनी नीड है बंदा की 12,000 के हिसाब से। अब ऐसे मत सोचेंगे 12,000 में आपको 4 HDMI USB के भी मिलेंगे, फिर कुछ और भी मिलेगा, इतना नहीं होने वाला इसके अंदर, बट हाँ जितनी नीड होती है, जितनी रिक्वायरमेंट है किसी बंदे की उतना मिल जाता है इसके अंदर, ऐसी कोई बेकार भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, डिसेंट है, मतलब प्राइस के हिसाब से चीज़ें ठीक चलती आ रही हैं, ये बात मुझे पसंद आई। इसमें जाता हूँ MediaTek का प्रोसेसर 64 बिट का है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, ठीक ठाक सा, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बेकार है, बट हाँ ठीक है डिसेंट है। 1 GB की रैम है, 8 GB की रोम है, ये भी डिसेंट है, बस हाँ 12,000 में मेरे को लगता है थोड़ी सी स्टोरेज या फिर रैम में से कोई चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक अगर 1 GB रैम है तो 16 GB इंटरनल होती या फिर 2 GB रैम कर देते तो भी ठीक रहता, बाकी चलो कोई बात नहीं, अब जो है सो है, क्या ही कर लोगे आप लोग, मैं भी क्या कर लूँगा, कंपनी जो दे रही ठीक है। टीवी अब आपके देखना कैसी लगेगी आप। सो ये टीवी आपके 12,000 के साथ साथ सर्टिफाइड मिलती है एंड्रॉइड के साथ, गूगल क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, ऐसे जितनी मेन चीज़ें हैं, मैंने कहा जितनी मेन रिक्वायरमेंट है कि हाँ ये इतना होना चाहिए आपकी टीवी के अंदर, 12,000 की हो चाहे 10,000 की हो चाहे 50,000 की हो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है सारी इस टीवी के अंदर, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा या कुछ ज़्यादा ही मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट सारे मिलते हैं आपको टीवी के अंदर, तो ये बात मुझे काफ़ी ठीक लगी। और एक बड़ी अच्छी बात है, 12,000 का बजट है इसका, उसके बावजूद HDR सपोर्ट करती है, HDR 10 के साथ आती है, Epic 2.0 पिक्चर की इन्होंने अपने अलग से टेक्नोलॉजी अपनी खुद की बनाई भी लगा रखी है इसके साथ, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, और HLG पैनल है तो ये भी अच्छी चीज़ है, जिसका HLG नहीं पता गूगल कर रहे जाके, मैं नहीं बताने वाला। हाँ एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लगी, इसका पैनल आपका सुपर ब्राइट इन्होंने लिखा है ऐसा अपने अमेजोन के अंदर, बट मुझे लगता नहीं इतना अच्छा, क्योंकि 400 nits की ब्राइटनेस है, बहुत कम है मेरे ख्याल से, तो बहुत ज़्यादा कम है 400 nits, क्योंकि इतनी में अगर आपके पीछे किसी ने लगाया, आपकी टीवी सामने और पीछे कोई रोशनी वोशनी आ गई तो साइन करने लग जाती है डिस्प्ले, क्योंकि एंटी ग्लेयर उन्होंने दिया नहीं है और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी कम है, तो आपको चमकेगी, वैसे दिखेगा ही नहीं क्या चल रहा है, थोड़ी सी डिम लाइट का कोई सीन आ गया या रात का कोई सीन आया तो देखने में बहुत बेकार रहेगा। सो एक चीज़ जो बड़ी अच्छी लगी मुझे इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे इस टीवी के अंदर, 12,000 का बजट है, 20 वाट के स्पीकर मिलते हैं, नॉर्मली ये 12 वाट 14 वाट 16 वाट पर रुक जाते हैं, बट इन्होंने 20 वॉट के स्पीकर दिए हैं, इतना ही नहीं साथ में डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी है इसके साथ, तो ये भी बहुत बढ़िया बात लगी मुझे, तो हाँ काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी भी है, काफ़ी चीज़ें नॉर्मल भी हैं, बेकार तो इसमें कुछ नहीं था डिस्प्ले की ब्राइटनेस के अलावा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं आपके लिए टीवी कैसी है, आपके लिए बेस्ट है नहीं है। बेजल्स बहुत पतले हैं, 2.4 mm इसका साइज़ इनके बेजल्स का, तो बहुत पतले बेजल्स हैं, ऐसा लगेगा भी नहीं कि बेजल है कि नहीं है, बेजल्स ठीक है, सिर्फ एक चीज़ बेकार लगी मुझे, डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, या फिर डिस्प्ले में एंटी ग्लेयर या फिर ऐसा कोई एक्स्ट्रा फंक्शन देना चाहिए था इनको, बाकी नहीं दिया था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं है, बाकी काफ़ी चीज़ें अच्छी भी लगी, स्पीकर इसके बहुत बढ़िया हैं, काफ़ी सारे सर्टिफाइड है, HDR 10 मिल जाता है आपको इसके अंदर, HLG भी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप खुद देख सकते हो,
सो उम्मीद है गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो, घंटे को जोर से बजाओ, जितनी जोर से बजाओ। मैं मिलता हूं टिल देन, बाय।